देखो यूनिवर्स, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हो जी मरियम की थी। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है, वायरल चीज़ है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये चीज़ है कि जो आपकी जो है वो मेन गर्ल्स की जो है वो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके फेस क्लीन होते हैं, हैंड क्लीन होते हैं, फीट क्लीन होते हैं, लेकिन जो उनकी नेक कॉम्प्लेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होती है। यानी जो है वो नेक पे काफ़ी ब्लैक ब्लैक लाइंस होती हैं और नेक का जो एरिया वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, जिसे ब्लीच भी करती हैं, उन पे फेशियल्स भी करवाती हैं, लेकिन वो एरिया जो है वो ठीक नहीं होता। मेल्स में जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीमेल्स में भी ये जो है प्रॉब्लम वो है। ठीक है, आई थिंक 60-70% मेल में है और 30% जो है वो ये गर्ल्स में जो है, यानी लेडीज़ में जो है ये प्रॉब्लम आम है। तो उसका जो है वो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि क्या जो है वो स्टीराइड्स चीज़ों के बगैर आप किस तरीके से जो है वो उसको नेक को जो है वो लाइटन ब्राइटन कर सकते हो, ताकि आपका फेस कम्प्लेक्शन और नेक का जो है वो कम्प्लेक्शन सेम हो जाए। ठीक है, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस ट्यूब का जो कि है इजाफा की। ठीक है, आप देख सकते हो ये इसकी कंपनी है, एटम देख सकते हैं। मैं जो है वो इजाफा कंपनी की जो है वो यूट्यूब है और इसका नेम आप देख सकते हैं, उर्दू में भी मेंशन है और इंग्लिश में भी, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ठीक है, और हम इसकी अगर बात, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको अगर याद ना रहे तो आप इस तरह की जो है वो ट्यूब मार्केट से इजीली ले सकें। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला भी जो है वो इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो इसमें जो है वो फार्मूला है, जो कि एक स्टीराइड जो है वो फार्मूला है। लेकिन मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्टीराइड्स जो चीज़ें हैं वो यूज़ हम करें, लेकिन उन पर्पस के लिए जो कि जैसे कि आप देख लें हाइड्रोक्विन हो गई या डर्मा क्वीन हो गई, या उसके अलावा जो है वो लाजमा हो चुकी है, उसके बाद जो है वो ग्लोबीवेट, टर्मोवेट, विटनोवेट, वो जो है वो एक स्टीराइड ट्यूब्स हैं, लेकिन वो किन पर्पस के लिए बनाई गई हैं, ताकि उनको जो है वो स्पेसिफिक टाइम तक यूज़ करें और उसके बाद जो है वो उनका यूज़ कम्प्लीटली तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो 1% इसमें जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो फॉर्मूला है, जो कि आपकी नेक को जो है वो लाइटन करने के लिए जो है वो इसमें मेंशन है, और इसमें कोई भी जो है वो फॉर्मूला ऐड नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1% है। उसके बाद ये एक वाटर बेस्ड जो है वो ट्यूब है। ठीक है, यानी क्रीम भी है, ट्यूब है। ठीक है, अगर हम इसकी जो है वो यहाँ पर देख लें तो सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। यहाँ पर जो है वो इसकी कंप्लीट लिखा हुआ है कि ये इजाफा जो है वो कंपनी है और मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर भी यही लिखा। अब हम जो है वो इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और एट द लास्ट जो है वो हम इसकी प्राइस की भी बात कर लेंगे। प्राइस जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात वो है कि बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसको आपने अपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, कितनी देर तक करना है और कितनी देर तक नहीं करना है। ठीक है, तो ये अंदर से ट्यूब जो है वो कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो सेम वही मेंशन है जो कि इसकी जो है वो पैकेजिंग पे मेंशन था। ठीक है, और जो है वो यहाँ पर इसकी वार्निंग दी गई है कि ये एक जो है वो मेंस की मेडिसिन है। ठीक है, तो ये इसकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि मैंने इसको हाफ यूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने अपने जो है वो हस्बैंड की नेक पे इसको यूज़ किया, ताकि उनकी थोड़ी सी डार्कर जो है वो डार्क थी, तो मैंने उन पर पहले अप्लाई की ताकि मैं जो है वो आपको बेस्ट रिव्यूज़ दे सकूँ। ठीक है, अगर हम ट्यूब की बात कर ले तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक वाटर बेस्ड ट्यूब है, आप देख सकते हो ये एक वाटर बेस्ड ट्यूब है। ठीक है, तो ये जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है, आपने मीन्स कि इसको 2 से
3 वीक्स जो है वो इसको आपने रेगुलरली यूज़ करना है। जब आपके जो है वो नेक लाइटन होना स्टार्ट हो जाए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम ले तो 3 वीक्स, अगर मिनिमम जो है वो टाइम ले तो आपको 2 वीक्स में जो है वो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी जो है वो नेक लाइटन है तो फिर तो ये जो है वो 1 वीक में आपको जो है वो रिज़ल्ट दे देगी, ताकि आपकी जो है वो नेक अगर ज़्यादा जो है वो डार्क है तो फिर आपको 2 से 3 वीक्स जो है वो मैक्सिमम लग जाएंगी इसको जो है वो लाइटन करने में, लेकिन ज़रूर आपकी स्किन जो है वो लाइटन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ के लिए हम जो है वो ये देखिए एडोर्न की जो है वो ये पेट्रोलियम जेली है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया, बहुत स्मेल जो है वो इसकी अच्छी करती है। आप जो है वो इसको पेट्रोलियम जेली तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर में होना एक बहुत ही बड़ी बात है, होना बिल्कुल ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपनी जो है वो मीन्स कि अपनी जो है वो फीट्स को हील कर सकते हो, हैंड को हील कर सकते हो, उसके अलावा आप लिप्स को हील कर सकते हो, फेस को हील कर सकते हो। तो इसकी जो है वो मैं बेनिफिट्स आपके साथ फिर जो है वो किसी वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड इस ब्रांड की करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। आई थिंक 100 रुपीज़ में जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपने इतनी सी जो है वो पेट्रोलियम जेली लेनी है क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड है, तो जितनी आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है तो मीन्स कि मैं आपको क्वान्टिटी बता देती हूँ कि आपने इस तरीके से करना है कि जितनी आपने जो है वो ये ट्यूब लेनी है 2 गुना ये होनी चाहिए और 1 गुना जो है वो इसमें वैसलीन होनी चाहिए। इसको अच्छे से इसका जो है वो हैंड पे मिक्सचर बना के आपने अपनी नेक पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जो है वो क्वांटिटी इसकी इतनी ली है तो आपने इतनी जो है वो इसमें वैसलीन ऐड करनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद अपनी नेक पे अप्लाई कर लेना है। वैसलीन का मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी जो है वो स्किन ख़राब डैमेज ना हो, क्योंकि ये एक स्टीराइड ट्यूब है, लेकिन अगर आप वैसलीन के अलावा यूज़ करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हो, इसके ज़्यादा जो है वो बैड साइड्स नहीं है, मैं इसकी ये इतनी भी ख़तरनाक नहीं है कि आप इसको वैसलीन के बगैर यूज़ ना करो, लेकिन मैं आपको जो है वो एहतियातन कह रही हूँ कि आप इसके साथ यूज़ करें, ठीक है। अब हम इसकी हम जो है वो प्राइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस जी है इसकी ये आप देख सकते हो ओनली 50 रुपीस। जो है वो इसकी प्राइस ये आप देख सकते हो, आगे जो है वो तो इसका सही से नज़र नहीं आ रहा था, अब आप देख सकते हो 54 रुपीज़ जो है वो इसकी प्राइस है, जो कि एक चीपेस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये था जी डार्क नेक का रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और इसको आप बेस्ट रिजल्ट कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। व्यूअर्स अल्लाह।